वहीं ओडिशा आईटी की रेड पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सदियों से उनका व्यापार है, कहां कमाए किससे कमाए सरकार जांच करे और पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये एक परिवार का मामला है। ये पैसा किसका है हमें वह भी नहीं पता, पैसा सांसद का है, उनके पिता का है, उनके भाई का है या उनके पूर्वजों का है, ये किसे पता है, जांच पड़ताल कर लें। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तेजी से ये मुद्दा उठाया जा रहा है वैसे ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के समय ये लोग कहां थे। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए किससे कमाए सरकार तफ्तीश करे पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की कहां तालुका था, कांग्रेस पार्टी की कहीं सालुका है पता बताओ, कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली की है, ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं, हमारे एमपी के या खोरपदर के पिताजी के भाई के किसको पता है, और जांच पड़ताल कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जिस तेजी से जिस मतलब जोर शोर से ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं, हमारे नीरव मोदी जी के समय नीरव क्यों थे लोग, मेहुल चौकसी के समय क्यों मस्का मर रहे थे, तब तो अच्छा लगता था कि हर लोग के साथ सही विचार करते हैं, लेकिन जब नीरव मोदी की बात होते हैं तो नीरव रह जाते हैं और जो बात